सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीजे आलोक वर्सेस अलाइट कैली दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा कैरेक्टर रहने वाला है इन फ्री फायर। फ्री फायर में गाइस दोनों ही कैरेक्टर न्यू है और बहुत ही डिमांडिंग कैरेक्टर है, क्योंकि अलाइट कैली तो न्यू न्यू आई है और डीजे आलोक तो हमारा पहले से ही पॉपुलर है। तो दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे, और 100% आप समझ जाओगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि दोनों की में स्किल और एबिलिटी और दोनों का कंपेरिजन फुल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत करता हूँ राज गेमिंग 725 यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों कैसे हो, आई थिंक सब बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ हमारी अलाइट कैली की, और उसके बाद डीजे आलोक के कंपैरिजन करेंगे। तो गाइस अलाइट कैली में क्या है कि अभी मेरे पास लेवल 2 की है। मैं इसकी पहले आपको स्किल और एबिलिटी बता देता हूँ। तो गाइस इसकी स्किल और एबिलिटी ये है कि आपको इसको 7 सेकंड तक भगाना है। 7 सेकंड तक भगा के जैसे आप खड़े रहोगे, और गाइस पूरा वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही गाइस आप 7 सेकंड तक इसे भगाओगे, फिर 5 सेकंड तक ये एक्टिव रहती है, और एक्टिव रह के क्या काम करती है वो पहले आपको समझा देता हूँ गाइस। तो एक्टिव रहने के बाद आप पहली गोली मारोगे, मैं एक एक ही बात करता हूँ, जो हमारी ड्रैगन AK-47 है ना गाइस वाइट वाली, उसकी बात करता हूँ। तो वो कंपेरिजन करे तो विथाउट वेस्ट वो 42 का डैमेज देती है, यानी कि 42 का डैमेज वो देती है। तो आप अलाइट कैली के साथ पहली गोली गाइस ओनली 1 गोली मारोगे तो 48 का डैमेज आपको देखने को मिल जाएगा। 48 का डैमेज आपको ये देगी, यानी कि 6 का ज़्यादा डैमेज देती है। उस हिसाब से आप इसका रल का अगर 20 का डैमेज देती है तो 23 या 24 अराउंड ये डैमेज देती है। ये इतना होता है अलाइट कैली का काम। तो गाइस मुझे काफ़ी हद तक अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहली गोली शॉटगन की SMG की मारोगी तो भी गाइस 5 का मिनिमम 5 का डिफरेंट पड़ता है डैमेज में। तो गाइस कोई काम की नहीं, फिर भी आपको बताते दूँ आगे इसकी स्किल और एबिलिटी। तो गाइस ये कैरेक्टर की एक अच्छाई है वो है कि आप इसे डीजे आलोक के साथ भी यूज कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी हद तक बहुत ही सही लगा कि आप किसी भी कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हो, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब बात करते हैं गाइस यह अलाइट कैली तो आप सभी ने ओपन कर ली होगी, आई थिंक ओपन कर ही ली होगी, और ये हमारी नॉर्मल कैली और ये अलाइट कैली। तो गाइस इसका लेवल अप करने के लिए आपको ये स्टोन या तो फिर आपको फर्ग्यूमेंट्स चाहिए, दोनों में से जो होगा आपका लेवल अपने आप अपडेट हो जाएगा। यहाँ आपको देख सकते हो ये इसके कुछ टर्म वो दिए थे, क्या बोलते हैं इसको यार, इवेंट्स की तरह इन्होंने दिए थे, वो हमें कंप्लीट करने थे, मिशन हमने कर दिए तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं हमारे डीजे आलोक की। तो गाइस चलो फटाफट हम डीजे आलोक की तरफ चले जाते हैं और यहाँ से चेंज कर लेते हैं डीजे आलोक को। तो गाइस डीजे आलोक की पहली बात करूँ तो डीजे आलोक और किसी कैरेक्टर के साथ आप नहीं खिला सकते हो, आपको मेन कैरेक्टर में डीजे आलोक को खिलाना पड़ेगा। डीजे आलोक की गाइस आपको फुल वीडियो देखनी है वो भी आई बटन में मिल जाएगी। और डीजे आलोक गाइस मुझे काफ़ी हद तक कतई जहर लगा, क्योंकि इसका वर्क गाइस अब तो बहुत ही हद तक अच्छा कर दिया है, वो कैसे मैं बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारा आया तो काम कर रहा था 10% तक, 10% तक फिर भी आया तो गाइस नंबर 1 था, 10% तक तो इसमें आया तो कि इनको इन्होंने एबिलिटी डाल दी वो पागने वाली निकाल दिए कैली वाली। तो अब क्या होता है गाइस 15% ये और हया तो आप यूज करोगे, दोनों का 25%। जैसे ही आपको डैमेज पड़ेगा आपका बंदा 25% तेज़ी से करने लगेगा, जो आर्मर पैटर्सन होता है ना गाइस, यानी कि गोलियों की स्पीड तेज़ी से निकल जाएगी। तो गाइस काफ़ी हद तक अब सही बन चुका है डीजे आलोक। और इसके अलावा जो इसका मेन वर्क जो हमारा है कि गाइस ये 50% HP देता है, यानी कि 50 की HP देता है। अगर आप फाइट कर रहे हो और डीजे आलोक को साथ में यूज करना स्टार्ट कर दोगे को तो सामने वाला आपको डैमेज देगा और आपकी HP तो इंक्रीज होती रहेगी। तो डीजे आलोक का ये भी काफ़ी हद तक मुझे सही लगा, और मैं तो गाइस दोनों में से आपको कंपेरिजन करने की कोई बात ही नहीं आती, द वन एंड ओनली गाइस डीजे आलोक सबसे बेस्ट रहने वाला है। फिर भी गाइस आपको कौन सा कैरेक्टर सही लगा, और मैं डीजे आलोक के साइड गाइस अलाइट कैली आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नीचे जाओगे तो लास्ट में लिखा हुआ है, देख लो वो अलाइट कैली का है। और गाइस मैं नहीं यूज करता, क्योंकि मैं डीजे आलोक के साथ 4 के 3 कैरेक्टर और है, उसमें कैली, हयातो और पालोमा। पालोमा भी ज़रूरी कैरेक्टर है गाइस। और गाइस हमारा नेक्स्ट वीडियो पेट के ऊपर आने वाला है, तो आप बताओ मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, कमेंट करना। और गाइस ये वीडियो में आपको दोनों में से कौन सा कंपेरिजन में सही कैरेक्टर लगा, मेरे एक्सपीरियंस से गाइस आपको बताऊँ, जो भी मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो डीजे आलोक वन ऑफ द ओनली बेस्ट कैरेक्टर रहने वाला है। फिर भी आप बताना गाइस कि आपके लिए कौन सा कैरेक्टर सही है और कौन सा गलत है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल वाला बटन को यार वाइट कर दो, फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना करो। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में 3 वीडियो बनाने वाला हूँ, एक तो ओनली MP40 चैलेंज, एक ओनली ट्रीटमेंट चैलेंज, और गाइस एक हमारा ये पेट वाला। तो तीनों वीडियो जल्दी आ जाएंगे, आई होप कि ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो गाइस
आगे की बात करें तो इवेंट्स में गाइस अभी कुछ नया नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इवेंट का वीडियो बनाना है तो बोल देना गाइस, हम ब्राज़ील के सर्वर से इवेंट का वीडियो बना देंगे। तो वो इवेंट का वीडियो बनाना है तो भी कमेंट करना गाइस, कमेंट करो जो भी वीडियो बनाना है। तो तब तक के लिए बाय।